जरा यात्रियों को विदा कर रहा हूँ, फिर देती हूँ। इंदौर में टिकट नहीं दिए गए वो भी नाराज हैं, तो पूरी बीजेपी नाराज है उनके कार्यकर्ता। ऐसे में पार्टी कैसे मैनेज करेगी, ये डैमेज कंट्रोल कैसे पूरा होगा चुनाव में? देखिए, इसी वजह से कर्नाटक में बीजेपी हारी है, कार्यकर्ता कुछ नहीं हारी। कर्नाटक का विश्लेषण आप ठीक करेंगे तो आपको समझ, हमारा जितना वोट था वो हमको मिला है, कहीं हम हारे नहीं हैं। और रही हमारे घर परिवार की राजी नाराजी की बात, तो जब संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, मतभेद हो जाता है, पर मतभेद हमारे बीच में ना था ना है और ना कभी होगा। कोई नाराजी है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबने मांगा, जिसको मिला सबने मिलके उसको जिताया। दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और हारी हुई सीटों पर, वहीं पर उनकी विशेष नजर कह रहे हैं कि लंबे समय से बीजेपी के खाते में है और अब इस बार कहीं ना कहीं बाजी पलटेगी, कोई असर आप देख पा रही हैं? आइए, मैं तो उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप महू से ही लड़ लीजिए। कोई असर आपको दिखता है, कोई चुनौती दे पाएंगे? मेरा आमंत्रण उनको दीजिए कि आप महू से लड़ने आइए। दीदी, 2000 के नोट को लेकर मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं। आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। तो साबिर बड़ी बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं आज 3 बजे, साबिर से शुरुआत कर रहे हैं, आज सिंधिया समाज के मंत्री उनको टारगेट कर रहे हैं। अपना अपना दल है, अपना अपना काम करेंगे, करने दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।